एसोसिएशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सालाना डिनर की पुरवकार तकरीब का इनेकाद जीसी यूनिवर्सिटी के लॉन में किया गया। तकरीब में साबिक वाइस चांसलर नासिरुद्दीन शेख, साबिक प्रिंसिपल खालिद राजपूत, ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर उबैदुल्ला सिद्दीकी, साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान डॉक्टर गुलाम रसूल शाह, पैट्रन व वाइस चांसलर डॉक्टर तैयबा जरीफ ने बतौर मेहमान खास शिरकत की, जबकि हैदराबाद न्यूज के सीईओ जुएब लतीफ नियाजी, डायरेक्टर न्यूज उजैर खान जई, असलम वाबडा, हमीद मातली, सलीम शाह, जुल्फिकार चौहान, यूसुफ दादा, असलम शेख, प्रोफेसर अकलीम, प्रोफेसर सैयद मरगूब समेत दीगर मौजूदीन भी शरीक हुए। तकरीब की मेजबानी के फराइज इलेक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान राजपूत ने सर अंजाम दिए। अलमनाई के सदर राना इरफान अहमद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया और मेहमानान को वेलकम किया। तकरीब से खिताब करते हुए अलमनाई की सरपरस्त व वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर तैयबा जरीफ ने कहा कि अलमनाई एसोसिएशन की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए गिरां कदर खिदमात हैं और एसोसिएशन के भरपूर तावुन और अंतक मेहनत के बायस ही गवर्नमेंट कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफर मुमकिन हुआ है। उन्होंने अलमनाई एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को उनकी खिदमात पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। साबिक सदर अफजल गुजर ने खितामी कलमात अदा करते हुए मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। पुरवकार तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा आयजा खान ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब में चेयरमैन हैदराबाद न्यूज सैयद बरकात अहमद रिजवी, नजफ रजा, प्रोफेसर मसरूर, प्रोफेसर असगर, डॉक्टर अशफाक कुरैशी, चौधरी मजहरुल हक, सईद कायम खानी, अनीस कायम खानी, अनवर काजमी, रफीक राजपूत, असलम अंसारी, उमर शेख, निजामुद्दीन सोहो, हाकिम अली जरदारी, कलीमुल्ला समेत दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा जरीफ, वाइस चांसलर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। बुनियादी तौर पर आज ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद जो कोई जिसकी सौ कॉलेज की 100 साल तकरीबात में गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, तो ये अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद है और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये हैदराबाद जैसे बड़े और तारीख़ी शहर की पहली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। और आज की जो तकरीबात हैं ये बुनियादी तौर पर जो एलुमनाई एसोसिएशन है, कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन, वो अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद एलुमनाई एसोसिएशन है और उसका ये पहला प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़द किया गया है, एक फॉर्मल डिनर यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि एलुमनाई एसोसिएशन जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और सपोर्ट कर रहा है शुरू से, जब से ये कॉलेज है और जब से इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी ये सपोर्ट एलुमनाई की और दूसरे स्टेक होल्डर्स की और पूरे हैदराबाद की सपोर्ट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ है और इंशाल्लाह हम कुछ ही अरसे में इस यूनिवर्सिटी को ना सिर्फ इस सूबे की बल्कि इस मुल्क की बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। और इसके लिए हमें हमारे सारे स्टेक होल्डर्स की मदद की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट की ज़रूरत है, हैदराबाद के सपोर्ट की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हैदराबाद की ये यूनिवर्सिटी साबित करेगी कि ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल है। मैं एज अ वाइस चांसलर और मेरी टीम दिन रात ये कोशिश कर रही है और इसका सबूत है पिछले एक डेढ़ साल की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो आप वेबसाइट पे भी उनका जायज़ा ले सकते हैं कि इस एक साल डेढ़ साल के अंदर जो है वो किस तरह के बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, चाहे वो प्रोजेक्ट के हवाले से हो, चाहे वो हाईली क्वालिफाइड PhD स्कॉलर्स को अपॉइंट करने के हवाले से हो या HEC के जो मेयारात हैं उनके हवाले से हो, यूनिवर्सिटी ने इस एक डेढ़ साल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ये हमारा प्लान है और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पे बच्चियों को भी मौका दिया जाए कि वो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी हायर एजुकेशन को, आला तालीम को जारी रख सकें। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम्स आइंदा